एवरीवन, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एसके दुबे से हम मेडिसिन पढ़ेंगे और ये मेनली टेस्ट के लिए एक ही मेडिसिन पढ़ रहे हैं हम फोर्थ ईयर की। तो एबिस कैनाडेंसिस, एबिस जो है कैनाडेंसिस जो इसका कॉमन नेम क्या है, हेमलॉक स्प्रूस। और इसका प्रूवर कौन है, गेटजेल। और इसकी फैमिली है कॉनिफेरी। आपको इसमें मेनली यूजी से रिमेंबर कर रख सकते हैं इस मेडिसिन को, यू से यूट्राइन डिसऑर्डर और जी से मेनली जीआईटी के कंप्लेंट जैसे लीवर डिसऑर्डर, इंडाइजेशन। ये जो मेडिसिन है ये रिमार्केबल रेमेडी है किसके लिए, क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन और यूट्राइन डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने कहा यूजी से आप याद रख सकते हैं यूट्रस के डिसऑर्डर और जीआईटी के। अब इसके गाइडिंग सिम्टम फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला सिम्टम है ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लाई डाउन। बहुत ये जो एबिस कैनाडेंसिस का बंदा है ये किस तरीके का रहेगा, बहुत कमज़ोर रहेगा और इसको सोने का बिल्कुल मन करेगा, लाई डाउन का मन करेगा, रेस्ट ज़्यादातर टाइम ही रेस्ट चाहता है। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा अपन को, हमेशा भूखा रहेगा, हंगरी, नॉविंग, फेंटिंग फीलिंग इन द एपिगेस्टिंग रीजन में। इसमें एक सेंसेशन पिक्यूलर है, फेंट फीलिंग रहेगी। इसको फीलिंग कैसी है, फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्टिक। और ये ना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाता है, जो जिसके लिए इसकी जितना कैपेसिटी है इसकी डाइजेशन की उससे ज़्यादा ये ईट करता है, इसकी टेंडेंसी। और इसकी पिक्यूलर डिज़ायर है आर्टीचोक। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, मतलब आर्टीचोक वगैरह, रेडिस, पिकल मीट, टर्निप, कोरस फूड, ये सब चीज़ों की डिज़ायर है, तो उसको याद करने का भी एक तरीका है। तो इसमें केट एमआरपी से याद रख सकते हो, सी से आ जाएगा इसको किसकी, कोरस फूड, ए से आ जाएगा इसमें आर्टीचोक, टी से आ जाएगा इसमें टर्निप, एम से आ जाएगा मीट, आर से आ जाएगा इसमें रेडिस और पी से पिकल। तो केट एमआरपी ये इसकी पिक्यूलर डिज़ायर है, इससे आप याद रख सकते हो केट एमआरपी से। ठीक है, सी ए टी एमआरपी। ठीक है, इसमें सी से कोरस फूड, ए से आर्टीचोक, टी से रेडिस, एम से क्या जाएगा मीट, आर से रेडिस और पी से पिकल्स। ठीक है, टी से टर्निप। फिर इसके अलावा इसमें क्या है, चिलीनेस देखने को मिलेगी, इसमें चिलीनेस बहुत करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और क्रेविंग के साथ रेमेडी जो है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की बहुत अच्छी दवा है, है ना। सोर फीलिंग रहेगी फंडस रीजन में, इसको सोरनेस रहेगी जो कि रिलीव हो जाता है प्रेशर से। तो यूट्रस में इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और उसमें सोर फीलिंग रहेगी फंडस वाले रीजन में, साथ में इसमें क्या रहेगा प्रेशर से आराम मिल जाता है। पर्टिकुलर्स की मैं बात करूँ तो इसमें स्टोमक पर डिस्टेंशन मिलेगा और एब्डोमन में पल्पिटेशन, मतलब एब्डोमन में डिस्टेंशन, स्टोमक में वगैरह में गैस बनेगी और पल्पिटेशन हार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूट्राइन प्रोलैप्स की अच्छी दवा है ये। ठीक है, प्रेशर से आराम मिल जाता है इसको। और इसके साथ में क्या देखने को मिल जाता है, गैस्ट्रिक सिम्टम मोस्ट, गैस्ट्रिक और यूट्राइन है ना, कैनाइन अंगर वगैरह रहती है, तो फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। एबिस नाइग्रा जो है इसको ब्लैक स्प्रूस कहते हैं और डॉक्टर लीमिन उसके प्रूवर है और कॉनिफेरी फैमिली की मेडिसिन है। ये क्या है, पावरफुल एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी, पावरफुल लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी वेरियस काइंड ऑफ डिसीज वेन एवर द करेक्टरिस्टिक सिम्टम स्टोमक सिम्टम। मेनली ये एबिस कैनाडेंसिस की यूट्रस और स्टोमक, ये मेनली स्टोमक कंप्लेंट की, डिस्पेप्सिया कॉन्स्टिपेशन की दवा है। स्टोमक में इसको दर्द होता है, पेन होता है, पेन इन द स्टोमक और ईटिंग के बाद। ठीक है, इसमें एक पिक्यूलर चीज़ ये है कि इसके स्टमक में जो कार्डियक रीजन होता है वहाँ पे इसको बॉयल एग लाइक सेंसेशन रहता है, सेंसेशन एज इफ हार्ट बॉयल एग हेड लॉज इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे इस मेडिसिन को मेनली इसमें स्टमक पे बहुत अच्छे काम करती है और डिस्पेप्सिया वगैरह देखने को मिलता है और कार्डियक एंड जो होता है स्टमक का वहाँ पे बॉयल एग जैसे रखा हुआ है, पत्थर लाइक सेंसेशन आता है, बॉयल एग रखा है, स्टमक में पेन होता है, खाने के बाद डिस्पेप्सिया देखने को मिल जाता है। जैसे जो लोग चाय और तंबाकू का सेवन करते हैं उन लोगों में डिस्पेप्सिया की अच्छी दवा है एबिस नाइग्रा। वेकफुल एंड रेस्टलेसनेस एट नाइट, है ना, ये वेक रात में चौक जाता है, भूख के मारे उठ जाता है। ठीक है, ये एजेड पर्सन की दवा है, ओल्ड एज की दवा है, जिसमें चाय और तंबाकू से इंडाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, रात में भूख लगती है, जाग जाते हैं, कार्डियक रीजन में कैसा लगता है, बॉयल एग लाइक सेंसेशन रहता है, सीवियर पेन होता है स्टोमक में ईटिंग के बाद, और हार्ट में भी
टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, है ना, डिस्निया, टेकीकार्डिया, डिस्पेप्सिया, इन सब की दवा है। और हार्ट में हेवी एंड हार्ट एक्शन हेवी एंड स्लो, ठीक। तो चेस्ट में इसको पेनफुल सेंसेशन रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि समथिंग वर लो चेस्ट के ऊपर कुछ रख दिया हो, है ना, जिसके ऊपर ये कफ अप करना चाहता है, चेस्ट को एक्सपांड नहीं कर पाता फुली। शार्प कटिंग पेन होता है हार्ट में, हार्ट में एक्शन जो है हेवी एंड स्लो। अगली हमारी मेडिसिन है एब्रोटिनम। एब्रोटिनम का प्रूवर है कशिंग, डेवेंचर, गेटचल, इसमें भी गेटचल आएगा और इधर भी एबिस कनाडेंसिस में भी रहते हैं। साउथर्न वर रूट, लेडीज लॉ भी कहते हैं इसको, कॉम्पोजिटिव फैमिली की दवा है। एब्रोटिनम जो है ये मरासमस की अच्छी खासी दवा है और रोमेटिज्म की। मेनली ये जो किस तरीके का टेम्परामेंट रहेगा, इसका टेम्परामेंट किस तरीके का रहेगा, क्रूरल इनह्यूमन टेम्परामेंट, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह इसकी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इमेशिएटेड रहेगा, इसके पैर जो बहुत पतले रहते हैं और अपर एक्सट्रीमिटी थोड़ा मोटा रहेगा। तो ये मरासमस वगैरह कहाँ मिलेगा, मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। सोरा की मियाज़म की दवा है, चिली पेशेंट होगा, ट्यूबरकुलर डायथेसिस है। अब अपना जो एब्रोटिनम है ये किस पे अच्छा काम करती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जो इमिशिएशन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है ना। जो बंदा अच्छा खाता पाता खाता है, रेवेनस एपेटाइट है, ईट वेल, लॉसेस फाइल वेल, लिविंग वेल, मतलब जीवन अच्छा खासा चल रहा है, खाता भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरीके की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस है, ठीक है। लिनेंट्री दैट इज़ द स्टूल कंटेंट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल मिलेंगे। डायरिया को अल्टरनेट करता है कॉन्स्टिपेशन के साथ। और रोमेटिज़म की भी बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। एब्रोटिनम जो है रोमेटिज़म की अच्छी दवा है। जैसे रोमेटिज़म इसका किस तरीके का रहेगा, कंडीशन विद द हार्ट इरिटेशन, इपिस्टेक्सिस, ब्लडी यूरिन, एंजाइटी, ट्रेमलिंग, हाइड्रोसिल, बच्चों में कहीं हाइड्रोसिल हो जाए, है ना, ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द नावेल ऑफ द न्यू बॉर्न। तो हाइड्रोसिल चिल्ड्रंस में और साथ में नावेल रीजन में इसको मॉइस्चर ऑफ ब्लड आए। एंजियोमा, फेस के एंजियोमा की भी अच्छी दवा है प्रोटीनम। तो इसमें क्या होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलती है, मतलब इमेशिएशन वगैरह, लिनेंट्री मिलेगा इस स्टूल में, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, रोमेटिज्म वगैरह, ठीक है। और एम्ब्रॉयड के साथ रोमेटिज्म अल्टरनेट करता है। फेस में एंजियोमा, हाइड्रोसिल इन चिल्ड्रंस, ठीक। इसके साथ में पेशेंट मेंटली बहुत क्रूरल टाइप का रहेगा, इरिटेबल, वायलेंट, इनह्यूमन टाइप का। मरासमस में इसका कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरा साइनीपियम, जो कि मिल्क इंटॉलरेंस, मिल्क को सहन नहीं कर सकता, वोमिट आउट कर देता है, कर्डी वोमिटिंग होती है, वीकनेस, प्रस्ट्रेशन, स्लीपलेसनेस वगैरह देखने को, स्लीपीनेस वगैरह देखने को मिलती है। आयोडम भी कैसा रहता है, इमेशिएशन होल बॉडी में, हाइपरट्रोपी, इंडोरेशन ऑफ द आल्वियन, रेवेनस हंगर की दवाई है आयोडम भी। नेटामियोर का नेक इमेशिएशन रहेगा, नेक एंड थ्रोट जो है बहुत वेल मार्क इमेशिएटेड रहेगा। साइलिशिया चिली बेबी होगा और न्यूट्रिशन की कमी है, एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके फंटानिल सूचर्स ओपन रह जाते हैं। कैल्केरिया फोर्स जो है वो एनीमिक इमेशिएटेड रहेगा, है ना, और इमेशिएशन ऑफ द होल बॉडी कैल्केरिया फोर्स। देन इसमें कैल्केरिया फोर्स में भी फंटानिल्स जो वगैरह ओपन रह जाते हैं, इसका डिले होता है, टीथिंग वगैरह बोन फॉर्मेशन डिले होता है। और ट्यूबरकुलिनम में फ्लैश ईट, यहाँ पे लॉसिंग फ्लैश लिविंग वेल, वही कि इसका फ्लैश मतलब जो इसका जो स्ट्रेंथ है, फ्लैश है मसल से, वो लॉस हो रही है। द बेबी कैचेस कोल्ड वेरी इजीली, ट्यूबरकुलिनम एकदम चिली है। इमेशिएशन वेरी रैपिड इमेशिएशन ट्यूबरकुलिनम। सल्फर जो है वॉशिंग बाथिंग सेग्रावेशन होता है, सोरिक होता है, स्क्रोफुलर डायथेसिस, पोर्ट बेली रहती है उसमें, ठीक। तो रोमेटिज्म की अच्छी दवा है एब्रोटिनम, जिसमें डायरिया वायरिया के साथ अल्टरनेट होता है ना, और नाइट में एग्रावेशन रोमेटिज्म में, और मोशन सिमुलेशन रोमेटिक अफेक्शन की बहुत अच्छी दवा है। गाउट रोमेटिज्म, जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट स्टिफनेस, एंकल जॉइंट मेनली, ऊपर की तरफ रोमेटिज्म वगैरह चाहते हैं। जनरली एब्रोटिनम को नाइट में एग्रावेशन है और एमुलेशन बाय द मोशन। एगाल्फा इंडिका जो है ये दवा किसकी है, मेनली टोनर इसके प्रूवर है। इसकी प्रूवर के बारे में काफ़ी ज़्यादा देख कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जैसे डॉक्टर एन एम चौधरी ने ये बताया कि पीसी मजूमदार इसके प्रूवर है, और जो डॉक्टर एस सी घोष ने ये बताया कि टोनर इसके प्रूवर है।
इसके अलावा महेंद्र सरकार और बाबू जयकिशन भी इसके प्रूवर माने जाते हैं। हेमरेज की अच्छी दवा है और बेसिकली है ना इसमें हीमोप्टाइसिस की दवा है। जैसे इसमें हीमोप्टाइसिस में भी है ना ब्राइट रेड कलर का ब्लड मॉर्निंग में आएगा और इवनिंग में डार्क रेड कलर का। रेस्पिरेटरी में जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हीमोप्टाइसिस होते हैं ना स्पूटा में ब्लड आता है, तो कल्पेंडी का उसकी अच्छी दवा है। थीसिस के यानी ट्यूबरकुलोसिस की हार्ड ड्राई सीवियर कफ होता है, ड्राई कफ है, सीवियर कफ है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन आएगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड मॉर्निंग में और डार्क क्लॉटेड ब्लड इन द इवनिंग, कफ बढ़ जाता है नाइट में। ठीक है, जीआईटी में इसमें वही डायरिया नोइसी प्लेटस के साथ डायरिया आएगा और बर्निंग इन द इंटेस्टाइन, स्टमक में वेट, फ्लैचुलेंसी। देन इसके बाद प्रोग्रेसिव इमेशिएशन, नाइट स्वेट, जैसे टीबी में होता है नाइट में स्वेट आता है, इमेशिएशन और टेम्परेचर जो है इसका बढ़ जाता है, टीबी में भी हम देखते हैं इवनिंग राइज टेम्परेचर, नाइट स्वेट, इमेशिएशन वगैरह। ठीक, तो एक अल्फांडी का ये फर्बेसी फैमिली की मेडिसिन है, टोनर इसके प्रूवर है, डीएनए कल्पा। देन इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है एडोनिस वर्नेलिस। एडोनिस वर्लेनिस जो है ये दवा किस काम की होती है, ये जो है मेनली ये पेरिकार्डाइटिस की अच्छी दवा है, हार्ट में मिट्रल और अवोटिक रिगर्जिटेशन हो जाए, किसी को पल्पिटेशन देखने को मिले, पेरिकार्डियल पेन हो, एंडोकार्डाइटिस, रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मेनली ये हार्ट की दवा है। एडोनिस वर्नेलिस जो है रेनल कोलेसी फैमिली की दवा है और ये मेनली इसका कार्डियक ड्रॉपसी में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, एक्शन कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ा देती है, इसकी वजह से फाइनली यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है। इसमें डिजीटॉक्सिन वगैरह पाए जाते हैं जो कि हार्ट मसल पे काम करते हैं। ठीक है, इसकी रेनल कोलेसी फैमिली की मेडिसिन है, ऑफिसेंट आई कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या एल्बुमिनूरिया, हार्ट में ड्रॉपसी देखने को मिले, कार्डियक अस्थमा, कार्डियक ड्रॉपसी, इन्फ्लुएंजा, इन सब में काम में आती है और हार्ट की दवा है, तो इसमें क्या चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, एल्यूमर है ना, फ्रेटफुल, क्रॉस, इरिटेबल, इस तरीके का माइंड रहता है। ये जो मेनली दवा है हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है जिसमें, ठीक है, और इसको टिंचर दिया जाता है 8-8 घंटे में एडोनिस का, मतलब टिंचर बहुत अच्छा काम करता है हार्ट के लिए एडोनिस का। हार्ट में aortic regurgitation, फैटी हार्ट डिसीज हो गई है ना, माउथ में डटी कोटेड टंग रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे किडनी में है ना इसको कोलेस्ट्रॉल का स्टोन देखने को मिल जाते हैं, यूरिन में एल्बुमिन आएगा, स्लीप इसकी डिस्टर्ब रहती है। हार्ट का पेशेंट है तो इसको रिलेट कर सकते हैं, मिट्रल एंड aortic regurgitation, क्रॉनिक aortitis, वेटी हार्ट, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, इरेगुलर कार्डियक एक्शन, कॉन्ट्रेक्शन, पल्स रैपिड इरेगुलर रहेगी, लो वाइटिलिटी एंड वीक हार्ट एंड स्लो वीक पल्स। अगली हमारी दवा है एंथ्रासिनम जो है वो, इसको सर्जन नाइफ भी कहते हैं। एंथ्रासिनम को बर्निंग होती है, बर्निंग पेन, हॉट कोल्ड लाइक सेंसेशन रहता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है एंथ्रासिनम का ना, और बहुत इकोरस डिस्चार्ज वगैरह आते हैं। ठीक, बर्निंग वगैरह की अच्छी है, रेपिड, जैसे इसमें एंथ्रासिनम में क्या रहता है कि हेमरेज कैसे रहेंगे, ब्लैक डार्क कलर का हेमरेज रहेगा, टारी लाइक, टार लाइक थिक हेमरेज रहेगा, डिस्चार्ज इकोरस एक्रेट ओपेंसिव है ना, वो फीवर में सेप्टिक फीवर की अच्छी दवा है ना, सिंकिंग पल्स, ग्रेट प्रस्टेशन फीवर के साथ, और अफेक्टेड पार्ट जो है ब्लैक एंड ब्लू रहेंगे है ना, टेंडेंसी टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी और एक्सेसिव थ्रस्ट, जिसको सर्जन स्नाइप भी कहते हैं। काबंकल बोइल के केस में बहुत अच्छा काम करते हैं एंथ्रासिनम, प्रोडक्ट ऑफ एंथ्रेक्स पॉइजन एंड इग्नोशोड है, तो ये हो गई एंथ्रासिनम। ठीक है, तो ये एंथ्रासिनम जो है नोसोड है, बहुत अच्छा काम करता है काबंकल के केसेस में, सर्जन स्नाइप भी कहते हैं। हेमरेज इसका डार्क टारी लाइक रहेगा, इसकी टेंडेंसी रहेगी मेलिग्नेंसी की, वो फीवर में रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रेट प्रस्टेशन, सिंकिंग पल्स, डिलीरियम देखने को मिल जाएगा, रेड लाइंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इन्फेक्शन मार्किंग द कोरस लिम्फेटिक्स,
रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एडिमा, सेलुलर टिश्यू, एक्सेसिव थ्रस्ट विद इनएबिलिटी टू फेलो। ठीक है, इसके बाद एंटीमोनियम आज जो दवा है ये भी बहुत अच्छा काम करती है। किसके केसेस में ये अच्छा, जो एंथ्रासिनम था ये हमारा बर्निंग वगैरह में हम इसको आर्सेनिक से भी कंपेयर कर सकते हैं, टेरेंटुला, सिकिल कोर वगैरह से। अब एंटीमोनियम आज जो है किसकी दवा है, अस्थमा की। ठीक, तो ये मेनली है ना, इसको होम्योपैथिक इनहेलर के नाम से जानते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। इम्फाइसिमा के केसेस में अच्छा काम करती है। एक्सेसिव डिस्निया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, एक्सेसिव डिस्निया कहते हैं इसमें, सांस लेने में दिक्कत होती है। और डॉक्टर एन एम चौधरी ने कहा है कि निमोनिया प्लोरेसी जब ऑल द एक्यूट सिम्टम है वो भी सबसाइडेड ओनली, जब निमोनिया प्लोरेसी में सारे सिम्टम चले गए केवल डिस्निया बचा हो तो ये एंटीमोनियम आज अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है कफ के साथ और ईटिंग और लाइंग डाउन से एग्रावेट होती है कंप्लेन। ठीक है, तो ये जो एंटीमोनियम आज है इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं, होम्योपैथिक इनहेलर कहते हैं, है ना। और इसका हेरर इसके प्रूवर है, इसमें एस के दुबे में यहाँ पे इस नार्ड लिखा है और आर्सेनेट ऑफ एंटीमोनियम यहाँ पे इसमें इडिमा, साइटिक शाइटिक साइट वांडरिंग टाइप का पेन होता है और मायोकार्डाइटिस वगैरह में भी अच्छा काम करती है। कफ एग्रावेट इवनिंग लाइंग डाउन, अपर लेफ्ट लंग मेनली इन्वॉल्व होता है, एक्सेसिव म्यूकोइड डिस्चार्ज, डिस्निया वगैरह की दवाएँ। देन इसमें अगली जो मेडिसिन है, ठीक है, तो एंटीमोनियम आज को अपन याद रख सकते हैं, अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है ना। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम मेटेलिकम। अर्जेंटम मेट को ये कहते हैं कि इसको हनीमन सर ने प्रूविंग की थी और ये मेटल है, प्योर सिल्वर इसका कॉमन नेम है। इसके बाद गाइडिंग सिम्टम की बात करूँ तो कहीं किसी का गला बैठ जाता है, स्पीकर का जो ज़्यादा वॉइस का यूज़ करते हैं प्रोफेशनल सिंगर्स का गला बैठ जाता है और उसने इसमें अच्छे काम करती है। फिर इसके बाद लाफिंग एक्साइटेड कफ, खासी इसकी हंसने से बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट, रा स्पॉट एंड बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया, कोराइजा बहुत थकाने वाला होता है, एग्जॉस्टिंग कोराइजा, स्नीजिंग और सेक्सुअल वीकनेस भी देखने को मिल जाएगी अर्जेंटम में। सेक्सुअल एक्शन भी इसका बहुत अच्छा होता है अर्जेंटम, मेल पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे मरकरी ओब्यूस हो गया, एनानिज्म हो गया, सेक्सुअल एक्सेस किसी ने कर लिया उसके बाद भी अच्छा काम करती है, जैसे माइनर लिमिजन आफ्टर ओनानिज्म है ना, और इरेक्शन के बिना ही इसको ओनानिज्म हो जाता है, मतलब इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन देखने को मिल जाता है। फीमेल्स में भी अच्छा काम करती है, कई प्रोलैप्स वगैरह हो गया तो उसमें ये प्रोलैप्स ओपियोट्रस की दवा है। ठीक, बेड इफेक्ट ऑफ एब्यूस ऑफ मरकरी, सिफिलिस, एक्सेक्सुअल एक्सेस, एनानिज्म, ये सब चीज़ें इसमें होती है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की अच्छी दवा है, सेक्सुअल वीकनेस की मेडिसिन है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की मेडिसिन है, इरिटेबल बंदा रहेगा, सिफिलिस में आज़म रहेगा। ठीक है, तो अर्जेंटम मेटेलिकम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें है ना मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक करती है और कार्टिलेज पे एक करती है, कार्टिलेज पे एक करके पेन प्रोड्यूस करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक करके ये हॉर्सनेस वगैरह प्रोड्यूस करती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लाफिंग एक्साइट कफ, ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, हिस्टेरिकल रोमेटिज्म वगैरह की दवा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद यूट्रस वगैरह में भी अच्छा काम करती है। और गला कैसा रहेगा इसका अर्जेंटम मेटेलिकम का, हॉर्सनेस, स्नीजिंग, कोराइजा, फ्लुएंट कोराइजा की दवा है, थ्रोट एंड लेरिंग्स में रॉ फील रहेगी, स्वेलिंग ऑन द कफ, लाफिंग कॉजेस कफ। ठीक है, एग्रावेशन व्हेन राइडिंग इन अ कैरेज, और मेल जेनिटेलिया पे भी पढ़ लिया हमने, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की दवा है। यूरिन का कलर कैसा रहेगा, डायबिटीज मेलाइटस में जैसा रहता है उस तरीके का, कैरिज राइडिंग से एग्रावेशन होता है, टॉकिंग सिंगिंग है ना, रीडिंग अलाउड से दिक्कत होती है। फिर अगली हमारी दवा है एस्टेरिया रूबेंस, जो है वो किस काम की है, ये सेंग्विनियस कंजेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में कंजेशन हो गया हो, साइकोटिक डायथिस, साइकोटिक मियाजम, साइकोटिक डायथिसिस की मेडिसिन है, इरिटेबल बंदा रहेगा। एस्टेरिया रूबेंस जो है उसको स्टारफिश भी कहते हैं, रेडिएटा फैमिली की दवा है, पेट्रोसिस को प्रूविंग किया था, ये जो है फ्लेबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। एपिलेप्सी की बहुत अच्छी मेडिसिन है एस्टेरिया रूबेंस। ठीक है, एपिलेप्सी, कॉन्स्टिपेशन कैसा है, बहुत जिद्दी तरीके का राउंड बाल लाइक स्टूल आता है इसमें, और सेंग्विनियस कंजेशन की दवा है, ब्रेन में कंजेशन मिलेगा और कोई भी मोशन जो है
इजीली एक्साइटेड बाय एनी इमोशन, मतलब कहीं भी इमोशनल कंडीशन आ गई तो उससे एक्साइटेड हो जाएगा, है ना। जब भी कोई इसकी कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना एस्टीरियर रूबेंस को, तो इसमें इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, इसकी वजह से कंप्लेन आ जाती है। अनस्टेडी गेट की दवाएँ, मसल्स रिब्यूज द वे टू फील, मतलब इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग इसकी मसल्स काम नहीं कर पाती, वॉलेंट्रीली काम नहीं हो पाता। एपोप्लेक्सी की भी अच्छी है, जहाँ पे स्ट्रोक के बाद जो है ब्रेन को पूरा क्या हो जाता है, पैरालिसिस होने लगता है, तो उसको एपोप्लेक्सी कहते हैं। तो एपोप्लेक्सी फेस रेट पल्स फेस इसमें रेड रहेगा, पल्स हार्ड रहेगी फुल फ्रिक्वेंट, और हीट ऑफ हेड वाजिब सराउंडेड बाई हॉट एयर, ऐसा लगता है सर के चारों ओर गर्म गर्म हवा है। ऑब्सिनेट कॉन्स्टिपेशन की दवा है, डायरिया वाटरी रहेगा, गशिंग आउट जेट लाइक, क्रोनिक टिक्का में भी ऐसे ही था कि जेट लाइक है ना गशिंग आउट। तो इस तरीके की डायरिया याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्सी, अनस्टेडी गेट की दवा है, एपोप्लेक्सी की दवा है, सिंग्विनियस कंजेशन द ब्रेन, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद एवेना सटाइवा को हम होम्योपैथिक, इससे नारियल पानी बना सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिज्म के केसेस में, मॉर्फिन की एडिक्शन है किसी को, उसकी बेड इफेक्ट आ गए तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। नींद ना आती हो किसी को तो उसकी 5-6 दवाएं, जैसे हमारा एवेना सटाइवा नींद नहीं आए तो दे सकते हैं। मदर टिंचर कोका जो है उसमें स्लीपी है पर सो नहीं पा रहा है, कोफिया इसकी 3 से 4 बजे तीन नींद खुल जाती 3 बजे, कालीफोस जैसे नर्व पावर नहीं है इसकी वजह से नींद नहीं आती, पेसी फ्लोरा को हाइपरटेंशन की वजह से, अस्थमा की वजह से नींद नहीं आ रही, और पीसीडिया को वरी इन द न्यूरोटिक्स की चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही पेसी फ्लोरा पीसीडिया को। तो एवेना सटाइवा जो है वो ओट और ग्रेमेनी फैमिली की है, और इसमें क्या होगा कि ये सेक्सुअल डेबिलिटी की अच्छी दवा है, कई सेक्सुअल वीकनेस आ जाए है ना, तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। स्लीपलेसनेस की दवा है एवेना सटाइवा, ठीक, डेबिलिटी वगैरह कमजोरी आ गई, सेक्सुअल वीकनेस आ गई, वो तक ज्ञान अशोकी कमजोरी की दवा है। देन इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है बेरेटामयूर जो है वो स्क्रोफुलस डायथेसिस की दवा है, तो ये इसमें मेनली टॉन्सिल वगैरह इलाज मिलेंगे है ना, सोरा मियाजम होगा, सोरा साइकोटिक सिफिलिटिक भी हो सकता है, और चिली पेशेंट है, ठंड से दिक्कत होती है, वॉलेंटी मस्कुलर पावर चली जाती है, ये भी हार्ट पे अच्छा काम करती है, ठीक है। हाई सिस्टोलिक प्रेशर और लो डायस्टोलिक टेंशन की दवा है, सेक्सुअल डिज़ायर इसमें इंक्रीज रहती है, बार बार टॉन्सिल होते हैं चिल कोल्ड के एक्सपोजर में जाने से, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है कन्वर्जेंस वगैरह में, वो प्रोफ्यूस सलाइवा ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, क्लोराइड ऑफ बेरियम एनिमल सर इसके प्रूवर है BACL2-10H2। ये जो दवा है ये टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी दवा है, कन्वर्जेंस में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, कार्डियक ओरिफिस इसका नैरो हो जाता है, हाई सिस्टोलिक प्रेशर है ना डायस्टोलिक प्रेशर टेंशन कम, और लॉस ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर पावर बट सेंसिबिलिटी टू इंडेक्ट, मेनिया में बहुत अच्छी काम करती है, और प्रोफ्यूस फ्लो ऑफ सलाइवा ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, ठीक है। बाइंड अपन बेरेटा ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं कि जो स्लो टू लर्निंग इन वॉक, पुलिस बिहेवियर है ना, मिसप्लेस रहते हैं इस तरीके से। हमारी अगली दवा है बेरेटामयूर हो गई, ब्लाटा, ब्लाटा ओरिएंटालिस जो अस्थमा की अच्छी दवा है, जिसमें कॉर्पुलेंट पेशेंट होते हैं, स्टाउट और एक्यूट अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा की दवा है, डॉक्टर DN राय ऑफ कलकत्ता ने इसको प्रूविंग की थी, और ये ऑर्थोपेडिक फैमिली की मेडिसिन है, इंडियन कॉकरोच इसका कॉमन नेम है, और ये जो है ना इंडिकेटेड इन आर्सेनिका आफ्टर आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद अच्छा काम करती है, कहीं आर्सेनिक से टेम्परेरी रिलीफ मिला तो ये दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, डिस्निया जहाँ हो ज़्यादा मच डिस्निया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, अस्थमा के केसेस में यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस के केसेस में लाइंग डाउन से एग्रावेशन हो रहा है ना अस्थमा में, ऐसे बेचैनी के साथ अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, म्यूकस भरा हुआ है, तब इसको यूज़ कर सकते हैं, और रेनी वेदर में सारी समस्याएं पड़ जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर DN राय ऑफ कलकत्ता याद रखना है, इंडियन कॉकरोच, और इसकी प्रूविंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाय के कप में कॉकरोच गिर गया था उसकी वजह से उसको अस्थमा ठीक हो गया, तो इससे प्रूविंग हुई थी ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा की दवा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेसिलिनम ट्यूबरकुलिनम बेसिलम, तो ये हम देख लेते हैं,
ट्यूबरकुलिनम बेसिलम ये टीबी ट्यूबरकुलर डायथेसिस की मेडिसिन है ना। टीबी के पास फ्रॉम ट्यूबरकुलर अब्सेस से बनाई जाती है। बर्नेट इसके प्रूवर है, एक नोसोट है और इसका मेनली टीबी पे बहुत अच्छा काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह और स्किन में फंगल इन्फेक्शन वगैरह में भी अच्छा काम करती है और साथ में इमेशिएशन वगैरह हो गया। बहुत चेंजिंग सिम्टम होते हैं, सिम्टम्स एवर चेंजिंग है ना, बहुत चेंजिंग एबिलिटी देखने को मिलती है और पेशेंट टेक कोल्ड इजीली विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर, मतलब कहाँ से कोल्ड लगाए कहाँ कैसे लगाए पता नहीं, पर बहुत जल्दी इसको कोल्ड के प्रति ससेप्टिबल है। इमेशिएशन रहेगा बहुत ज़्यादा और बॉयज वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करती है ट्यूबरकुलिनम बेसिलम। क्रोनिक हेडेक सिलेक्टेड रेमेडी से केवल पेलिएशन हो रहा है तो स्कूल गोइंग गर्ल्स के हेडेक में बहुत अच्छा काम करती है। गुड रेमेडी है बोनी सुपुरेशन के लिए और सडन अर्ली मॉर्निंग डायरिया की दवा है, ठीक है। हेडेक इसका मेन है स्कूल गोइंग गर्ल्स का हेडेक हो गया। सेंसेशन ऑफ जॉब आयरन होप अराउंड द हेड, हेडेक इज फेल्ट फ्रॉम द राइट आई बैकवर्ड टू ऑक्सीपिट। ट्यूबरकुलर हेडेक की दवा है एग्रावेशन फ्रॉम आई स्ट्रेन स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन। देन इसके बाद मेंसेस इसके टू अर्ली टू प्रोफ्यूस टू लॉन्ग लास्टिंग और कोई पिक्यूलियर कैरेक्टर नहीं होता ब्लड का। स्किन में बॉयल्स वगैरह एक्जिमा की दवा है, पूरी बॉडी में एक्जिमा हो जाए, कान के पीछे एक्जिमा हो जाए, हेयर में भी एक्जिमा हो जाए, बहुत ज़्यादा जलन के साथ एक्जिमा हो, रहनेस तोड़नेस के साथ एक्जिमा हो तो ये दे सकते हैं। बॉयल्स में जैसे पस वस बन रहा है, ग्रीन फेटिक पस आए, नोज में बॉयल्स हो जाए उसमें दे सकते हैं, छोटे छोटे बॉयल्स बार इकट्ठे हो रहे हैं तो। और हेयर्स में प्लीका पोलोनिका की दवा है, जहाँ पे हेयर इकट्ठे हो जाते हैं उसमें डिस्चार्ज बड़ा भरा रहता है, चिपक जाते हैं बाल है ना, फ्लीती रहते हैं गंदे से, तो बोरेक्स भी प्लीका पोलोनिका की अच्छी दवा है। इसमें हेयर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ चिपचिपा सा डिस्चार्ज रहता है, तो इसलिए तो सोरेनम वगैरह बोरेक्स वगैरह काम नहीं करी तो ये भी अच्छा काम कर सकती है। ट्यूबरकुलर बच्चे होते हैं और एक ओपन ईयर से आराम है ट्यूबरकुलिनम बेसिलम को और मोशन से दिक्कत है, डेम्प एरिया में दिक्कत है, ठीक है। नो सोड है ये सोरेनम सल्फर, जैसी रेमेडीज फेल हो जाए परमानेंटली इम्प्रूव करें तो ये सोच सकते हैं। बेलाडोना से भी इसका रिलेशन है, बेलाडोना इज़ यूज फॉर एक्यूट अटैक कंजेस्टिव इन्फ्लामेटरी और हाइडस्टिस इज यूज फेटन पेशेंट क्योर्ड विद ट्यूबरकुलिनम। तो ये हो गया आर्टेरिया रूबेंस हो गया हमारी, एवेना सटाइवा हमने पढ़ ली है, बेसिलिनम हो गई, बेराइटामियोर भी हो गई।